हैं दोस्तों, जैसा कि KVS CRT का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, लोगों के कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं कि मेरा सिर्फ PGT का दिखा रहा है। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था ये वाला, अब ये तो चल रहा है KVS PRT एग्जाम सिटी कैसे चेक करें। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, इसमें हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, मेरा सिर्फ PGT दिखा रहा है, मेरा सिर्फ तो TGT दिखा रहा है। बाकी कुछ कई लोग जो है इनका देखिए केस फरवरी को है, 24 फरवरी को है, कई लोग चेक कर चुके हैं, मैंने भी चेक किया था मेरा, इनको देखो 22 फरवरी को है, और कई लोगों में प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम देखने को मिला, योर एग्जाम सिटी नॉट अलॉटेड टिल येट विल बी इंटीमेटेड लेटर। तो ये सारी प्रॉब्लम जो आ रहे हैं इन पे ऑलरेडी हमने कई वीडियो बना रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं PRT के लिए आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा इस वजह से दिखा रहा है, योर एग्जाम सिटी नॉट अलॉटेड टिल येट, इसका मतलब ये कि जो आप एप्लीकेशन नंबर यूज कर रहे हैं वो PRT का नहीं है, या फिर अगर आप TGT का डाउनलोड कर रहे हैं तो अगर आप में ऐसे दिखा रहा है तो इसका मतलब ये कि आप एप्लीकेशन नंबर जो यूज़ कर रहे हैं वो PRT का नहीं है, वो किसी अदर नॉन टीचिंग पोस्ट का है जिसका अभी तक शो नहीं किया गया है। इस वजह से आप में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब इसको कैसे चेक करेंगे वो भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके पहले जब आप जिस वेबसाइट के थ्रू आपने फॉर्म भरा था उसका लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे चेक कर लीजिएगा। इसमें ID पासवर्ड डाल के चेक करते हैं तो वहाँ से आपको दिखाएगा कि कौन से फॉर्म का ये लिंक यानी ये रजिस्ट्रेशन संख्या है, ये आपको क्लियर होगा। क्योंकि जैसे आप ईमेल में डालते हैं जब, तो TGT और PRT दोनों का जो मैसेज आता है ईमेल में वो सेम टू सेम वैसे ही आता है, उससे पता नहीं चलता कि ये TGT का है कि PRT का है। तो आपको लॉगिन करके या फिर उसमें जो PDF आई हुई है, अगर आपके ईमेल में आपने सेंड किया होगा, PDF से पता चलेगा कि आपका ये किस फॉर्म का है, TGT का है कि PRT का है या फिर अदर फॉर्म का है, वो अब उससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जब इस पर चेक करेंगे तो आपका सही दिखाएगा बिल्कुल एकदम अच्छे से। और जो TGT का डाउनलोड कर रहे हैं उनका PRT वाले में ये दिखा रहा, कह रहे हैं मेरा TGT का ही दिख जा रहा है। तो इसकी वजह से यही है कि आप जो एप्लीकेशन नंबर यूज़ कर रहे हैं वो TGT का यूज़ कर रहे हैं, PRT का आप नहीं यूज़ कर रहे हैं। और जो जिनके में ये दिखा रहा है कि अभी तक आपका अलाटमेंट नहीं हुआ है, वो PRT का भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, TGT का भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो लोग यूज़ कर रहे हैं किसी नॉन टीचिंग पोस्ट का। जैसे कि मैंने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों भरा है, तो मैं यहाँ पे अभी तक मेरे में दिखा रहा था, लेकिन आवाज़ से चूंकि मेरा PRT का था इस वजह से PRT की वजह यहाँ पे दिखाने लगा। अगर मैं अभी इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट का डालूंगा तो मेरे में सेम टू सेम यही दिखाएगा कि अभी आपका एप्लीकेशन नंबर यानी अभी आपका जो सिटी है अलाट नहीं हुआ है। इसी की मैंने जैसे का भरा हुआ है, तो जैसे का मैं यहाँ पे डालूंगा तो आप मेरे में यही देखने को मिलेगा। तो आप भी पहले अपना एप्लीकेशन नंबर चेंज चेक करिए, अच्छे से देख लीजिए कि किस फॉर्म का है, उसके बाद आप चेक करिएगा, आसानी से आपको दिख जाएगा। बाकी दोस्तों इसको हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और दोस्तों आपको बता दें हमने कंप्यूटर के सीरीज चालू की हुई है, कंप्यूटर की लगातार हम सीरीज करा रहे हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम करा रहे हैं, तो आप उसे देखना मत भूलिएगा।